चालू हो गया या पीस आपका? खराब ही नहीं हुआ, अभी इसकी एमएमसी वाला है, पोर्ट बना के चेक करा था। पोर्ट बना के चेक कर रहे हैं। और एक सेकंड पीस कौन सा चालू किया आपने? सर नोट 5 वो चालू कर दिया आपने? जरा बताएंगे आप, इसकी शॉर्टिंग निकाल के आपने चालू किया है? सर आप कोई सा भी सेट आएगा तो आप निकाल लेंगे? यस सर। चालू कितने सेट किया आपने? 4 सेट चालू कर लिए। 4 सेट चालू किया आपने? यस सर। तो जैसा देख सकते हैं स्टूडेंट ने अपने सेल का अपने हाथ से बनाया है। शॉर्टिंग किस चीज़ की निकाली? शॉर्टिंग इसमें रेडमी नोट 5 की निकाली थी। रेडमी नोट 5 की शॉर्टिंग निकाली? C3 था सर। रियलमी C3 था। रियलमी C3 में क्या फ़ोन करा आपने? DC में लगाते थे तो कुछ रेटिंग नहीं बताता। DC में लगाते थे? कुछ रेटिंग नहीं बताता। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया आपने? डायग्नोस करके उसको पावर IC पर काम करके चालू कर दिया। ठीक है। और उसमें कितने सेट ट्रेस आउट करें आपने? सर अभी लावा का जेट 50 का मॉडल है। जेट 50 मॉडल है, ठीक है। लावा का आपको DC में लगाने से सर ये मतलब ऑटो रीडिंग ले रहा है, ठीक है। इसका पावर IC शॉर्ट है, ठीक है। तो पावर IC निकालने के बाद शॉर्टिंग चली गई। शॉर्टिंग चली गई। OS 37 है, ठीक है। इसके अंदर हाफ शॉर्टिंग होगी, ठीक है सर। मैंने इसकी हाफ शॉर्टिंग तो सर फाइंड आउट कर ली। अभी कॉन्फिडेंस से ये बोल सकते हैं कि बोर्ड में क्या फॉल्ट है वो हम ढूंढ सकते हैं और उसका सोल्यूशन भी हम कर सकते हैं। भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी काय की क्लास थी? शॉर्टिंग हमको समझ में आया कि नहीं आया ये बात? आप शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग निकाल पाएंगे? किसी लगी आपको क्लास? क्या कहेंगे आप देव सर के लिए? वो आपको बराबर मिला कि नहीं मिला यहाँ पर? हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? राजा घोष। राजा घोष कहाँ से आप? आप त्रिपुरा से हैं, अगरतला से। राजा ये बताइए आप कि आपको हाफ शॉटिंग फुल शॉटिंग की क्लास आपको समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। क्या प्राइमरी होती है क्या सेकेंडरी शॉटिंग होती है आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर आई। समझ में आई ना? जो सर ने बताया उसके बाहर कुछ है क्या आपको ये बताओ? नहीं, वैसे जो थ्योरी में लिखा है वही मिल रहा है। हाँ, जो थ्योरी में लिखा है जो सर ने आपको प्रैक्टिकल करके भी बताया सेट पे और जो बूटिंग बताई उससे कुछ बाहर कुछ है क्या बताओ? नहीं सर, वही मिल रहा है, वही आपको समझ में तो आया ना? हाँ सर। है ना, अभी आपकी क्लासेज अभी पूरी बाकी है जहाँ पर आपको सारे सेट्स बनाने हैं MMC की, तो उसके अंदर मोर एक्सपीरियंस मिलेगा आपको बिल्कुल। आई होप जो अभी तक जो भी आपने सेक्शन पढ़े हैं, जैसे क्या है कि चार्जिंग सेक्शन पढ़ा है, चार्जिंग सेक्शन के बाद में आपने नेटवर्क सेक्शन पढ़ा है, ये सारी चीज़ों का कॉन्फ्लेशन इस डेट क्लास में आता है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? हाँ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग का। हाँ ठीक। मतलब हाँ, पहले किस सेक्शन से शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर किस सेक्शन में जाना पड़ेगा वही। आपको बैटरी जो बैटरी कनेक्टर की रेटिंग मालूम पड़ी, आपको BSI की रेटिंग मालूम पड़ी, BTM की रेटिंग मालूम पड़ी कि नहीं पड़ी? हाँ सर ठीक है ना। सेकेंडरी पावर क्या होता है, प्राइमरी पावर क्या होता है हमारा मालूम पड़ी कि नहीं पड़ी? हाँ सर। BPH पावर कहाँ जाता है, किस किस जगह जाता है, ये सभी चीज़ों के सर 2-3 बार ही रिवाइज किया है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया अभी। मतलब किस सेक्शन में कितना वोल्टेज जाना चाहिए, कितना वोल्टेज हमको मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो उस जैसे बॉनियों से लेंगे, देखेंगे कौन सी सप्लाई जा रही है, सीरीज में होगा कोई कंपोनेंट शॉर्ट होगा तो उसका जो मतलब जो सॉल्व के लिए जो थ्योरी दिया है उसी हिसाब से हम देखेंगे सर। जैसे एक मकान को बनाने के लिए एक हमारी को फंडामेंटल बोले तो न्यू जो थी आपकी, न्यू मजबूत हुई कि नहीं हुई है? हाँ सर, हाँ सर, जो फाउंडेशन है वो सर मजबूत हुआ है। और आप जानते हैं जिसका फाउंडेशन मजबूत है तो सर। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? देवीलाल कहाँ से आप? राजस्थान से। देवीलाल ये बताओ, हमारी 3 दिन से शॉर्टिंग की क्लास चल रही है, आपके समझ में आई कि नहीं आई? आ रही सर। किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है? नहीं सर। है नहीं सर। जो सर ने पढ़ाया वो आपको सारी चीज़ें इसके अंदर शॉर्टिंग क्लास में मिली कि नहीं? आपने बेसिक से हट के कुछ चीज़ आई क्या? नहीं। जो आपको सर ने बेसिक समझाया है, जो ग्रेजुएशन समझाया है शॉर्टिंग क्लास के बारे में, तो उससे कुछ बाहर आ रहा है क्या? नहीं सर, सब उसके अंदर ही आ रहा है ना। नॉर्मल चीज़ तो नहीं मिल रही ना आपको कि बिल्कुल एक आसमान से एक नया फॉल्ट आ गया और वो निकलना है? नहीं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। थैंक यू वेरी मच। हमारे सबसे होनहार क्या नाम बताइए अपना? दिनेश नाम है सर मेरा। दिनेश नाम है, दिनेश कहाँ से हो आप? मैं हरियाणा से हूँ सर। हरियाणा से दिनेश। दिनेश किस किस मोबाइल की आपने हाफ शॉटिंग और फुल शॉटिंग निकाली है? सर एक ये OPPO A37 है, ठीक है। इसके अंदर हाफ शॉटिंग होगी थी, ठीक है सर। मैंने इसकी हाफ शॉटिंग तो सर फाइंड आउट कर ली, ठीक है। पावर IC में है सर, लेकिन ये ब्लैक पेस्टेड है। हाँ। तो सर आगे अब ब्लैक पेस्टेड IC के अंदर ब्लैक पेस्टेड। 4 सेकंड क्या किया आपने? सेकंड सर ये लाइफ का फ़ोन है सर, ठीक है।
सर ये भी डेड था सर, इसके अंदर फाइंड आउट, इसमें ना सर यूएसबी डाटा प्लस माइनस की वो नहीं आ रही, अच्छा रीडिंग और वैल्यू नहीं आ रही। अच्छा तो बनाने के बाद बनाया आपने उसको? नहीं सर अभी बनाएंगे। अच्छा बाकी आपने फाइंड कर लिया? हाँ जी। आपको तरीका तो आ गया है ना? यस सर। तो हॉप शॉटिंग क्या होती है, फुल शॉटिंग क्या होती है, ट्रेसिंग क्या होती है? यस सर। आपको सारा सेक्शन समझ में आया कि नहीं? यस सर। किसी प्रकार की कोई कमी है क्या एसएडली काम में? नहीं। बताइए सिखाने में कमी है क्या? नहीं सर। और स्टूडेंट सारे के सारे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताइए? सारे कर रहे हैं सर। सारे कर रहे हैं? सारे कर रहे हैं। अच्छे से कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छे। और खुश दिल से कर रहे हैं? बिल्कुल। वेरी गुड। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है। जी सर। नाम बताइए अपना। विनोद सिंह। विनोद सिंह। विनोद सिंह। जी सर। विनोद सिंह कहाँ से भाई? उत्तर प्रदेश से। जी? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। जी सर। विनोद कितने सेट ट्रेस करे आपने ईमानदारी से? सर दो फोन जियो के मैंने पहले किया था। दो जियो के पहले किए थे आपने? और इससे एक एक कर रहा हूँ। तीसरा आप ये कर रहे हो? तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल सर। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर समझ में आया। तो अब तुम्हारे पास अगर कोई, आप यहाँ से जाते हो, जाने के बाद अगर तुम्हारे पास सेट आता है तो आप उसकी हाफ शॉटिंग फुल शॉटिंग निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, और एक एक निष्कर्ष पे पहुँच सकते हो कि नहीं पहुँच सकते? बिल्कुल सर कर सकते हैं। है ना, उसको फाइंड आउट करके। अभी आपका MMC पूरा बाकी है? जी सर। है ना, MMC बाकी है, अभी आपका सॉफ्टवेयर रनिंग में है, तो जितना भी कोर्स हुआ है मैं हमारा जिसे शॉटिंग की क्लास थी, तो समझ में आई कि नहीं आई? सर आई ना आपको समझ में? ओके थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। मोहम्मद सोहेल। मोहम्मद सोहेल। सोहेल कहाँ से आप? यूपी से। यूपी से। सोहेल हमारी हाफ शॉटिंग फुल शॉटिंग की क्लास थी, 3 दिन की क्लास थी, तो 3 दिन के क्लास में क्या समझ में आया आपने? अभी तक कितना सेट फाइंड आउट करे आपने? सर मैं M30 कर रहा हूँ। M30 ठीक है ना, उसमें शॉटिंग शो कर रहा है ना ही कुछ शो कर रहा है, फिर भी IC हीट कर रही है। IC हीट कर रही है। उसके लिए एक्चुअली क्या है कि बेसिकली हमको उसका CPU रिवॉल्व करना होगा, है ना? जी सर। और अभी ब्लैक पेस्टेड की आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है क्या? नहीं सर। नहीं, वो ब्लैक पेस्टेड की कब से आपकी क्लास? कल परसों। हाँ कल परसों से है ना, तो और उस सेट को हम कायम में देखेंगे सर, और ड्यूल CPU भी करेंगे ना हम यहाँ पर? सर बिल्कुल ड्यूल CPU भी करेंगे ना, जब वो पीस काम में आएगा। इसके अलावा और क्या ट्रेस किया आपने? ये M30 ट्रेस किया है। हाँ पूरा तो आपके समझ, हाफ शॉटिंग फुल शॉटिंग आपके कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया कि नहीं आया? आप कोई सा भी अगर पीस आएगा तो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? सर ओके थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। मोहम्मद सजाद। मोहम्मद सजाद कहाँ से भाई? यूपी से। यूपी से। जी सर। मोहम्मद सजाद आपने अभी तक कौन कौन से पीस ट्रेस करे बताएंगे? सर मैंने Note 5 कराया। Note 5 कराया और सर और एक ये 6A है। 6A करा? yes, तो 6A और Note 5 किया आपने और 6A किया, तो आपको शॉटिंग मिली कि नहीं मिली इसके अंदर? शॉटिंग मिली थी सर। शॉटिंग मिली? शॉटिंग में क्या मिला आपको? सर एक डाइवर्ट शॉट था। डाइवर्ट शॉट था सर। और दूसरे वाले पीस में क्या था, ये चालू हो गया या पीस आपका? सर अभी नहीं, अभी इसकी MMC हो रहा है, पोर्ट बना के चेक कर रहे हैं। पोर्ट बना के चेक कर रहे हैं। और एक सेकंड पीस कौन सा चालू किया आपने? सर Note 5 वो चालू कर दिया आपने? सर जरा बताएंगे आप, इसकी शॉटिंग निकाल के आपने चालू किया है सर? ऑफ था सर। तो कुल मिला के आपसे पूछने का मतलब ये है कि आपको हाफ शॉटिंग फुल शॉटिंग की क्लास समझ में ही कि नहीं आई? सर ये आपका डेड सेक्शन भी था, तो आप डेड सेक्शन में आप समझ, आपने सारे सारे जितने भी हमारे जो सेक्शन होते हैं सारे सेक्शन को पढ़ा, और उसका जो एंड का हमारा डेड सेक्शन है, तो डेड सेक्शन आपके समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल आया। जो सर ने बताया उससे कुछ बाहर हुआ क्या? आपकी DC की रीडिंग और USB टेस्टर की रीडिंग बाहर हुई क्या? नहीं उससे? सर कुछ नहीं, सब वही मिला। सब वही आया उसके अंदर? बेसिक को आपने फॉलो किया और आपने काम कर दिया? जी सर। ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे अगर, अगर कोई कोई अगर आना चाहे तो? सर बिल्कुल आए। ओके थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार कहाँ से हो? मैं चोरू राजस्थान से। राजस्थान से हो? जी सर। अभी आपने कौन कौन से पीस ट्रेस करे? अभी मैंने 3 सेट ट्रेस किए हैं, एक तो जियो का किया था कल। हाँ और एक जियो में क्या निकला आपने? जियो के अंदर EMMC से प्रॉब्लम। EMMC से प्रॉब्लम थी। सेकंड पीस कौन सा किया आपने? Forex किया। Forex में क्या प्रॉब्लम थी? Forex के अंदर Power IC। Power IC। और कौन सा किया? अभी 5A। 5A आप अभी रनिंग में कर रहे हो? हाँ। तो आपको हाफ चैटिंग फुल चैटिंग समझ में तो आ रही है ना? बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सौरभ। हमारे पास एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ है। सौरभ, सौरभ जो देवसर की क्लास जो हमारी 11 तारीख को, सॉरी जो हमारी 12 तारीख को देवसर के साथ आपकी क्लास थी, जो शॉटिंग की क्लास थी, तो शॉटिंग की क्लास में जो आपको समझाया तो उसको PCB पे एग्जीक्यूट किया कि नहीं आपने? वही क्या वही आपको मिला कि नहीं हुई यहाँ पर इसके अंदर? इसके अलावा कोई बाहर से कोई चीज़ मिली क्या हाफ शॉटिंग या फुल शॉटिंग में? जो सर ने बैटरी कनेक्टर पर रीडिंग बताई, बैटरी कनेक्टर के बाद में
आपका OBP IC, OBP के बाद में आपका DC to DC IC, DC to DC IC से पावर IC से सब जगह फैलता है, मतलब तो सारा उसके अंतर्गत ही हुआ कि नहीं हुआ बताओ आप मेरे को, है ना? USB टेस्टर की जो रीडिंग बताई वो आई आपको, है ना? USB टेस्टर की और DC मशीन की जो रीडिंग बताई आपको वो आपको मैच करी इसके अंदर, ठीक है? कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच सर जी। नाम बताइए अपना। मेरा नाम जयदीप बोलुआ है, मैं आसाम से हूँ। जयदीप, कितने मोबाइल ट्रेस करे अभी आपने? चार पाँच ट्रेस कर लिए, तो समझ में आ रही है ना अब आपको? शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग? ठीक है सर, पूरा समझ में आ रहा है ना आपको? आ रहा है सर। और जो सर ने बताया वही है ना, वो चीज़? वही है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम, कहाँ से हो आप? UP। UP से। मोहम्मद अकरम, अभी तक अभी आपने कितने सेट ट्रेस करे आपने? कितने टोटल सेट, कितने ट्रेस करे? शॉर्टिंग की क्लास है? चार से पाँच सेट। इधर बताइए जी सर। चार से पाँच सेट किया आपने जी सर, है ना? तो कौन कौन से सेट थे? दो MI हाई बे था। हाँ। और एक 6A। हाँ। और दो सेट और है सर। हाँ, ये सारे ट्रेस किए आपने? यस सर। आपको शॉर्टिंग मिली कि नहीं मिली? जी सर मिली है। हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग, समझ गए आप? यस सर। आप कोई सा भी सेट आएगा तो आप निकाल लेंगे? यस सर। चालू कितने सेट किए आपने? चार सेट चालू कर लिए। चार सेट चालू किया आपने? यस सर। एक बार भाई जोरदार क्लैपिंग इनके लिए, अकरम के लिए। चार सेट ऑन किए, एक आध सेट चालू करके बताएंगे आप अभी जो आपने कंप्लीट करके रखा है? ये सब चालू किए हैं। ये आप बताते जाइए, एक तो ये चालू किया आपने, ये है। हाँ। और एक ये है, एक ये है, दो और ये दो इसमें है। कोई सा भी एक सेट चालू करके बताइए जो अभी तत्काल रेडी हो। जी सर, तुरंत बता। देखिए, ये मोहम्मद अकरम है, इन्होंने चार सेट बनाए हैं और एक अभी आपको चालू करके भी बताया। तो मोहम्मद अकरम, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं? सर, अगर कोई आपकी UP से अगर कोई आना चाहे तो आप क्या बोलेंगे उनके लिए? जी सर, अच्छा, उसको प्रॉपर काम सीखना है डीपली अगर मोबाइल में, तो एशिया टेलीकॉम जरूर ज्वाइन करें। और आपके यूपी से आपको तीन स्टूडेंट आपको बोल रहे हैं कि वो हमारे भाई गए हैं वहाँ पर, वो सीख के आएंगे तो हम भी जाएंगे। जी सर, उनके लिए वेलकम है सर, क्योंकि अच्छा काम, मतलब जो जिसको सीखना हो वो ज़रूर से ज़रूर आए जिसके तरीका। ओके, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। सर, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। मोहम्मद शहजाद, कहाँ से आए आप? कोलकाता, वेस्ट बंगाल से। कोलकाता, वेस्ट बंगाल से। शहजाद, ये बताइए, हमारी शॉर्टिंग की क्लास थी 3 दिन की, आपको क्या समझ में आया? आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं? हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग और ट्रेसिंग आपको समझ में आई कि नहीं? आप ट्रेसिंग कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? कौन कौन से पीस की करी आपने? मैंने 5A का किया। 5A का किया सर, वो DC मशीन में लगाने से ऑटो रीडिंग आ रहा है। ठीक है, उसका मैंने शॉर्ट, वो जो DQIC है वो मैंने देखा कि ये शॉर्ट है, तो इसको निकाल के मैंने चेंज किया, मेरा फ़ोन ओके हो। अच्छा, इसके बाद और आपने एक सेट कौन सा बनाया दूसरा? सर, ये J2 का बनाया। आपको सक्सेस मिली इसका? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक बार J2 आपको बता देंगे चालू करके? तो जैसा देख सकते हैं, ये स्टूडेंट ने अपने सेल का अपने हाथ से बनाया है। ठीक है, आपको जो सर ने आपको डेट सेक्शन की जो क्लास दी थी आपको, देव सर ने, उस डेट सेक्शन में जो क्लास में जो जो आपको बताया, जो आपको रीडिंग बताई,
रीडिंग बताई आपको, डीसी मशीन की रीडिंग बताई आपको, यूएसबी टेस्टर की रीडिंग बताई, और रोजिन डालने का तरीका बताया आपको, और उसको ट्रेस आउट करने का, इसके बाहर कुछ था क्या? नहीं सर, वो जो आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बताया वही बेसिक प्रिंसिपल्स वही मिला ना सर? वही मिला। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहेंगे आप, कोई वेस्ट बंगाल वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, मतलब जो आपके जो जो भी जो सब्जेक्ट हुए अभी तक अभी आपकी पूरी क्लास नहीं हुई, अभी आपका एमएमसी पूरा बाकी है जी सर। ठीक है, आपका एमएमसी पूरा बाकी है, सॉफ्टवेयर आपका चल ही रहा है, अभी हार्डवेयर को मैं यहाँ तक पहुँचे, तो आपके हर सेक्शन क्लियर हुए कि नहीं हुए? यस सर, बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ाया जाता है और हर सेक्शन का डीपली नॉलेज दिया जाता है। मैं कोलकाता से अगर जो भी हो अगर सीखना चाहे मोबाइल रिपेयरिंग का काम, तो वो एशिया टेलीकॉम जरूर ज्वाइन करे, क्योंकि अगर सही नॉलेज और डीपली नॉलेज चाहिए तो वो यही मिलेगा एशिया टेलीकॉम में। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ स्टूडेंट है नीलेश कुमार। नीलेश कहाँ से हो आप? अभी आपका आई की क्लास चल रही है आज? शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग। हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग आपको समझ में आ रहा है? हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग, बिल्कुल। ओके, थैंक यू वेरी मच। सभी सेट होगा मैं निकाल लूँगा। ओके ओके, आपने फ़ोन भी बनाया ना कोई? यस। कौन सा फ़ोन बनाया आपने? लेनोवो, लेनोवो से शॉर्टिंग निकाला। नाम बताइए अपना। रितेश, फ्रॉम कहाँ से? गुजरात। गुजरात से रितेश, कैसी रही आपकी शॉटिंग की क्लास, आपको समझ में आया? यस सर। शॉटिंग, हाफ शॉटिंग, फुल शॉटिंग, हाँ सर, समझ में आई आपको? जी सर। ठीक है, आपने कुछ एक चालू भी किया सेट शायद अभी? नहीं सर, उसमें ऐसे नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा। अच्छा, बाकी आपने फाइंड कर लिया ना? फाइंड कर लिया। ओके, आगे चलिए। नरेंद्र कहाँ से हो आप बेसिकली? खंडवा एम पी। एम पी खंडवा से। नरेंद्र अभी आपने क्या कर रहे थे अभी? सर ये टेक्नो का मोबाइल फुल डेट था। हाँ, इसमें मतलब माइनर शॉर्टिंग थी। अच्छा, उसको फाइंड की, फाइंड किया आपने। और अभी एक आपने फाइव ए भी बनाया अभी, उसकी शॉर्टिंग भी निकाली है? शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग थी, फुल शॉर्टिंग थी, फुल शॉर्टिंग उसकी निकाली है। किसके माध्यम से निकाला आपने सर? आप नहीं, क्या माध्यम था, डीसी मशीन थी या शॉर्ट किलर था? नहीं, शॉर्ट किलर से, है ना, हमने गाइड किया था, आपने अपने हाथ से किया, समझ में तो आया ना आपको? हाँ सर। ठीक है, इब्राहिम। हाँ सर, कैसे रही आपकी क्लास इसकी शॉटिंग की? बहुत अच्छी रही। समझ में आया आपको? हाँ सर। शॉटिंग निकालते बन रही है आपसे? बन रही है। हाफ शॉटिंग वो फुल शॉटिंग वो निकाल लोगे? निकाल लूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। बताइए। हाँ, क्या नाम है आपका? अविनाश राजपूत। अविनाश राजपूत, कहाँ से हो भाई? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। अविनाश, अभी तुमने डायग्नोसिस किया नोट फोर को? हाँ सर। नोट फोर को डायग्नोसिस करके आप पहुँचे, इसके पहले एक पीस की शॉटिंग चेक करी तुमने? हाँ सर। है ना, आप उसमें क्या दिक्कत थी? उसमें टेस्टेड आईसी, टेस्टेड आईसी थी। बाकी आप वहाँ तक पहुँच गए थे? हाँ सर, शॉटिंग तक पहुँच गए थे आप? हाँ सर। अभी नोट फोर को आप देख रहे हो? हाँ सर, फोटो बन रहे कि नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। राहुल। राहुल, राहुल कहाँ से हो आप? यूपी सर। राहुल, शॉर्टिंग की क्लास कैसी लगी आपको? बहुत अच्छे। समझ में आया आपको? यस सर। क्या प्राइमरी होती है, क्या सेकेंडरी होती है? यस सर। अभी आपने कोई डायग्नोसिस किया भी है आपके पास का? यस सर, ये इसकी पावर जो शॉर्ट थे मैंने आई से निकाली तो शॉर्टिंग, शॉर्टिंग चली गई, तो शॉर्टिंग समझ में तो आ रही ना आपको? ठीक है, यस सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, लेखराज फ्रॉम राजस्थान। लेखराज, शॉटिंग समझ में आ रही है आपको? यस सर। आप शॉटिंग, फुल शॉटिंग? हाँ। पूछेंगे तो बता देंगे आप? यस। और कर भी लेंगे आप? यस सर। ठीक है, कॉन्फिडेंट? हाँ। अभी क्या करा तुमने? अभी एमएमसी करा। एमएमसी क्या, अभी आपने शॉटिंग किस चीज़ की निकाली? शॉटिंग इसमें Redmi Note 5 की निकाली थी। Redmi Note 5 की शॉटिंग निकाली, वेरी गुड। हाँ सर, कोरोना आया वेस्ट बंगाल। हाँ, कोरोना आया वेस्ट बंगाल। हाँ सर, वेस्ट बंगाल। हाँ सर, शॉटिंग निकाली आपने? हाँ सर। कौन से पीस की निकाली सर? MI5A। MI5A की, वेरी गुड। सत्य प्रकाश सत्या, कहाँ से हो आप? सर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से आपने शॉटिंग निकाली? हाँ सर। कौन से पीस की निकाली? J7 की। J7 का, MI4A का। MI4A का भी निकाला और J7 का भी निकाला। शॉटिंग तो समझ में आई ना आपको? हाँ सर। है ना, अब कोई सा भी सेट होगा तो अपने लेवल से आप निकाल लेंगे शॉटिंग। हाँ सर। शॉटिंग फाइंड करिए सर, एक A37 और एक टेक्नो का है, उसकी पावर A37 और टेक्नो का एक हैंडसेट है। अच्छा, A37 कौन सी? ओप्पो का A37। ओप्पो A37। ओप्पो A37
का आपने ट्रेसिंग करी है ना, वो आपको मिल गई। यस सर, हमारी शॉर्टिंग यहाँ पे। अभी एक दूसरे पीस की आपने चेक की, उसकी भी शॉर्टिंग चेक की, तो प्रेस किया तो उसकी पावर आईसी शॉर्ट थी सर। तो क्या हो रहा था आपके पीस में, मतलब जैसे आप डीसी मशीन पे लगाई थी? जैसे मैं डीसी मशीन में लगा तो वो ऑटो मोड पे रीडिंग चल रही थी। ऑटो पे रीडिंग चल रही है, ऑटो पे रीडिंग चल रही, मतलब एब्नॉर्मल बूटिंग हो रही है। यस सर, है ना, ज्यादा बूटिंग हो रही है, जो 10 से 20, 20 से 30, 30 के बीच में आना चाहिए उसके बाद फिर अचानक से ज्यादा पे जा रहा है। यस सर, है ना, तो ऐसे प्रॉब्लम थी ये? ये सर पावर आईसी से थी। ओके, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, कहाँ से हो आप? बिहार से। बिहार से, नाम बताइए अपना। अरुण कुमार। अरुण कुमार, अरुण कुमार आपने अभी कौन कौन से पीस डायग्नोसिस करे आपने आप शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग में? पहले मेरा एक रियलमी का सेट था A3, रियलमी के C3 था सर। रियलमी C3 में क्या फ़ोन करा आपने? DC में लगाते थे तो कुछ रेटिंग नहीं बताता। DC में लगाते थे कुछ रेटिंग नहीं बताता। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया आपने? डायग्नोस करके उसको पावर आईसी पर काम करके चालू कर दिया। ठीक है, और सेकंड क्या किया आपने? अब एक और रियलमी का सेट है उसको सही करा। रियलमी का रियलमी का एक और सेट है जी। तो आपको हाफ शॉटिंग फुल शॉटिंग सारा समझ में तो आ रहा है ना? ये भी हो गया भाई, चालू। अच्छा, ये भी चालू हो गया, तो आपको शॉटिंग समझ में तो आ रही है ना? जी। अगर आपके पास शॉटिंग आती तो आप खुद से कर पाएंगे आप? जी कर लेंगे, है ना। वो ये सब काय से होगा? प्रैक्टिस से होगा ना? जी प्रैक्टिस, जितने सेट आते रहेंगे प्रैक्टिस करते जाओगे। आपको तरीका तो समझ में आया ना? ये सारा तरीका पता है। अच्छा, इससे कुछ बाहर है क्या? जी नहीं। ये जो सर ने पढ़ाया आपको, इससे बाहर है क्या कुछ? जी नहीं, सब इसी में है। बताइए, हमारे स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। मोहित कुमार नाम है सर। मोहित कुमार नाम है, इनकी पिछले 5 दिनों से तबीयत खराब थी, आज चेहरे पे इनके स्माइल है और खुशी भी है बहुत, और इनका आज 15 अगस्त था तो 15 अगस्त स्पेशल इनके लिए ही आया है। बिल्कुल। अच्छा, बताइए आप कौन कौन से सेट के आपने डायग्नोसिस किया? सर एक ये नोट 5 है, ठीक है, इसकी PMI वो है शॉर्ट थी, हाँ वो निकाली है। हाँ, PMI चेंज होगी। हाँ, PMI चेंज होगी। हाँ जी, तो शॉर्टिंग निकल गई है लेकिन PMI चेंज होगी। ठीक है, ओके। और एक दूसरा मेरे पास ये सैमसंग का A6 है। हाँ, ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि चार्जिंग लगाने के टाइम पावर आईसी हीट हो रही थी। ठीक है, ठीक है, इसके CPU से प्रॉब्लम है। CPU भी जो हमारी क्लास एक्टिविटी क्लास होगी उसके बाद ये सोल होएगा। अच्छा, इसका CPU रिवॉल होकर दोबारा लगेगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या आपने किया? और सर, और इसमें एक और ये भी सेम ही बोर्ड है लेकिन ये डैमेज है, इसके अंदर अभी कुछ हुआ नहीं है। हाँ, इसके पार्ट निकाल के इसको लगाते हैं। फिलहाल आपने 2-3 दिन के क्लास में दो सेट अपने सेल्फ लेवल से आपने ट्रेस किए और आपने फाउंड किया, खुद कर लिया जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मनीष माझी, मैं शेड्यूल MPC हूँ। अच्छा मनीष, ये बताइए आपने अभी तक 3 दिन की क्लास में कितने सेट ट्रेस आउट करे आपने? सर अभी लावा का Z50 का मॉडल है। Z50 मॉडल है, ठीक है। लावा का DC में लगाने से सर ये मतलब ऑटो रीडिंग ले रहा है। ठीक है, इसका पावर आईसी शॉर्ट है। ठीक है, तो पावर आईसी निकालने के बाद शॉर्टिंग चली गई। शॉर्टिंग चली गई जी सर। ठीक है, इसके अलावा और इसके अलावा एक रेडमी नोट 7 का सेट है। हाँ, उसमें वो भी पावर आईसी का फॉल्ट है। अच्छा जी, उसको निकालने के बाद फिर वो शॉर्टिंग चली गई। तो कुल मिला के आपसे पूछने का मतलब ये है हमारा कि आपको ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग जो आपको सर ने बताया उस चीज़ वो कोर्स से बाहर की कोई चीज़ आ रही है? कोर्स के अंदर है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। कॉन्फिडेंस से ये बोल सकते हैं कि बोर्ड में क्या फॉल्ट है वो हम ढूंढ सकते हैं और उसका सोल्यूशन भी हम कर सकते हैं।